स्टडी इन इंडिया का एक नया पोर्टल आज शिक्षा विभाग की ओर से लोकार्पित किया गया। भारत सरकार की दो और अन्य महत्वपूर्ण विभाग होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कोलाबोरेशन में भिसा और फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जैसे नियमों को और ईज करे और सुविधाजनक हो, इसीलिए तीनों विभाग मिलकर इस पोर्टल का निर्माण किया है। उस पोर्टल के माध्यम से भारत में अभी 240 से ज़्यादा क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन अनबोर्ड हैं। 2600 से ज़्यादा कोर्सेस उसके माध्यम से ऑफर किया जा रहा है। भारत में सदियों से फॉरेन स्टूडेंट्स और फॉरेन फैकल्टी आने का परंपरा बना हुआ है। 21st सेंचुरी में भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पे एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, ऐसे सारे इलाका में भारत ने जो हेल्थ केयर सिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारा विषय में भारत ने जो दक्षता इन दिनों में प्रकट किया है, उस प्रकार की नॉलेज इकोसिस्टम को वैश्विक समुदाय के लिए, नई पीढ़ी के लिए भारत उपलब्ध कराए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही एम्बिशियस और दूरदृष्टि संपन्न निर्णय है। उसी को आगे ले जाने के लिए, NEP को आगे ले जाने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का आज लोकार्पण हुई है।